अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टोनियन अकेडमी पाकिस्तान। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ फ्री मेंबर्स के लिए कुछ सिग्नल्स लेकर आया हूँ। सिग्नल्स ये शॉर्ट टर्म है, बात याद रखना। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ग्रुप में डेली सिग्नल्स दे रहा हूँ, माशाल्लाह वहाँ तो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक सिग्नल दे रहा हूँ। कल रात को मैंने कहा था यार, अगर किसी को फीस बनानी है तो मैं सिग्नल दे रहा हूँ नियो का और रे का, क्योंकि वो सोलाना की इको सिस्टम पर वो बहुत अच्छा पम्प करेंगे। सो माशाल्लाह से सब ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, दो तीन लोगों ने प्रॉफिट से ग्रुप ज्वाइन किया, प्रॉफिट से फीस निकाली। सो मैं यही बताने हूँ कि यहाँ से आप प्रॉफिट बनाओ और फीस निकालो। सो मैं कुछ कॉइन्स के सिग्नल देना आया हूँ, छोटे मोटे कुछ कॉइन्स, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा आपका, लेकिन ये आज दे रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं इसके बाद नहीं दूंगा, फिर मैं प्रीमियम ग्रुप में ही दूंगा सारे सिग्नल्स। सही हो, वहाँ पे सिखाया भी जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन के अपडेट्स की तरफ। तो बिटकॉइन ने एक यहाँ से अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, बना के वापस नीचे की तरफ आ रहा है 4 आवर की चार्ट में। मैंने कहा था क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, क्लोजिंग नहीं हो रही एक दफा भी। ये देखो यहाँ पे ऊपर बार बार बनाकर आ रहा है। मैं आपको मार करके दिखा दूँ, वरना आपको समझने में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ओके, इसको मैं थोड़ा वाइट कर देता हूँ ताकि अब इसको क्लियरली देख पाओ। ओके, सो ये बार बार इससे सपोर्ट खा खा के नीचे आ रहा है, मतलब रेसिस्टेंस से टकरा कर नीचे आ रहा है। विक बनाई, विक का मैंने कहा तो कोई फायदा नहीं होता, बॉडी बनना जरूरी, बॉडी बन पा रही है। और अभी वापस ये जो मूविंग एवरेज है, 10 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ईएमएस जिसको कहते हैं। तो यहाँ से ये पंप ले सकता है 10 मूविंग एवरेज, जो कि 49,800 का पॉइंट है। यहाँ से पंप लेके हम इसको ब्रेक करके इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग करते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तबाही आने वाली है। इसके अलावा बिटकॉइन का अपडेट हो गया, हम चलते इथेरियम की तरफ। इथेरियम को भी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का सामना हो रहा है, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस इथेरियम को मिली, वहीं से इथेरियम टकरा कर वापस 10 एमई की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस भी एक माइनर सी सपोर्ट है, सॉरी रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज पर आप बाई कर सकते हो, वरना 20 इज बेस्ट फॉर बाइंग, मतलब 20 लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे है। तो मुझे लगता है आज मार्केट इतना नीचे जाएगी क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इथेरियम से फिलहाल दूर रहो। हम चलते हैं वी चेन की तरफ, वैट की तरफ। वैट को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर अगर हम देखें तो वैट अपनी रेसिस्टेंस से टकरा कर नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको मिलता है इस वाले पॉइंट पर 0.14265 पे नहीं, 0.14265 या 0.138 पे मिल जाता है, तो ये बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे 5% बाय कर लो आज ही, और यहाँ पर 10% बाय कर लेना आज ही। सही है, ये आज के सिग्नल है। तो ये यहाँ पे है, वापस अपने रेसिस्टेंस पे जाए आप इसको सेल कर देना। एक्सआरपी की तरफ चले, एक्सआरपी का मैंने कहा था कि ये पम्प करेगा, और ये देखें वापस नीचे आया। ये मैंने यहाँ पे इसका सिग्नल बनता था वैसे 1.27 पे, लेकिन मैं सिग्नल दे नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं है कराची में बारिशों की वजह से। तो यहाँ से अगर ये वापस नीचे आ सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है कि नीचे है, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट इसको रेसिस्टेंस फेस करनी पड़ी 1.36 की। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा पंप आएगा। जब जो अभी ये पॉइंट है इसका, ये एक सपोर्ट ही इस तरीके से, यहाँ पे आप देखो तो एक सपोर्ट पर बैठा हुआ है अपनी 4 आवर के चार्ट में। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है इसकी, तो अपनी सपोर्ट पर ये सर्वाइव कर रहा है फिलहाल। तो यहाँ से पंप ले सकते हैं, थोड़ी बहुत इसकी बाइंग बची है, 2% बाय कर सकते हो। और जैसे इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दो तो इसके अंदर एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम एडीए की तरफ, एडीएस में फेवरेट कॉइन 10 मूविंग एवरेज पे, ये 20 पे आप इसको बाय कर लेना, 2.92 पर ये आ सकता है। और इसका जो पहला सेलिंग पॉइंट आप रख सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको सेलिंग पॉइंट आपने इसका कहाँ रखना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ एरिया मार किए थे कि आप इस सेलिंग पॉइंट पे 3.2 से लेके 3.1 के एरिया आप इसकी सेलिंग आप कर सकते हो। ये जो एरिया ये आपका पूरा जो होगा सेल जोन होगा, ये जो रहने वाला है ये पूरा एरिया आपका सेल जोन है। तो इसको हम जरा थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, इस एरिया को मतलब यहाँ पे आप कितना परसेंट प्रॉफिट मतलब बना सकते हो। यहाँ से अगर मैं लूँ इसको, अगर आप यहाँ से बाइंग करते हो इसकी और यहाँ पे आप इसको सेल करते हो, तो 12% आप इसका प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। 3.10 तक इजीली जाएगा क्योंकि इसकी अच्छी न्यूज़ भी आ रही है कुछ, तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो, तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। ये आपका सेल जोन होना चाहिए, सही है, ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका सेल जोन होना चाहिए। 12% प्रॉफिट पे निकल जाना, 0.339 का ये शॉर्ट टर्म मैंने एक ट्रैक किया है यहाँ पे। तो यहाँ से आप 2.92 पे इसको बाय कर लो, और 3.10 से 3.2 की रेंज में आप इसको सेल कर सकते हो। डॉट ने मैंने कहा था ब्रेकआउट लेगा बहुत बड़ा, और माशाल्लाह यहाँ से डॉट ने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, रिट्रेसमेंट लिया, वापस ऊपर किया जाए, 10 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, तो यहाँ पे वापस आए, तो इसको वापस से बाय कर लेना। डॉज एक ऐसा डॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, सॉरी मैं इसको बाबा डॉज बोल रहा हूँ, डॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी भी आपको हैरान कर देगा। और इसका जो मैं आपको सेलिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो आप यहाँ रख सकते हो, क्या नाम है अपना, 38 कौन सा एरिया, 38 से लेके 36.7 के एरिया में आप इसका रख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे अगर आप इसको बाय कर ले तो 10 मूविंग एवरेज पे आने पे वापस, जो कि 37 वाले है, सॉरी 37 वाला एरिया ऊपर है,
हाँ ये जो एरिया है ये 32 वाला एरिया है, यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो 32.50 पे। अगर आप यहाँ पे इसको बाय करते हो और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो तो यहाँ से बाय करके इसको आप यहाँ पे सेल कर देना तो ये 18% प्रॉफिट आपको इंशाल्लाह देगा। तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो तो ये इतना प्रॉफिट माशाल्लाह आपको दे सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिग्नल है, बाय करो सेल करना यहीं पर, जो 20 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वहीं पर बाय करना। इसके अलावा ये जा रहा है क्या नाम है, BTT इस वक्त बाइंग जोन की तरफ जा रहा है, 0.004 की तरफ, हाँ 0.004845 पे आप इसको बाय कर लेना। यहाँ पे इसको बाय करके जो इसका सेल जोन बन रहा है वो सबसे पहले तो इसकी जिस रेसिस्टेंस से ये टकरा कर आ रहा है 0.005 के वाली, ये वाला एरिया इसका आप रख सकते हो रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन, मतलब जहाँ पे आप सेल करना चाह रहे हो। और यहाँ पे अगर आप इसको सेल करते हो इस पॉइंट पे बाइंग करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, ये भी $10 का आपको रिटर्न दे सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे होल्ड करना और आप चाह रहे हो कि बिटकॉइन अभी और ऊपर जाएगा, हालात मजीद बेहतर हो सकते हैं, तो आप इसको यहाँ तक, कौन सा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे मैं ज़रा देख लूँ, तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हो 0.006 तक। तो ये काफ़ी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन कर सकते हो चाहो तो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। लिंक जो कि कसुमा के साथ साथ चलता है, अपनी रेसिस्टेंस, ये वाली जो रेसिस्टेंस जोन है इसका 31.80, यहाँ से रिजेक्ट होकर 30.98 पर आया है। और जैसे ही आपको अपनी मूविंग एवरेज पर देखिए ऐसे वाले रेसिस्टेंस के करीब 30.26, यहाँ पे आप इसकी थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो, 30.26 पर आप इसकी थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो। इसके अलावा 31 पे इसकी एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है जो कि इस एरिया की तरफ है, तो यहाँ पे आप इसको सेल कर देना। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेल कर देते हो तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिटर्न देगा, यहाँ से अगर आप इसको ऊपर कर लें तो ये भी तकरीबन 6% तक का प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म पर सिग्नल से इनको बाय करो, इनसे आप इंशाल्लाह फीस निकाल लोगे मेरे ग्रुप की, वरना अगर आप ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो भी आप थोड़ा शॉर्ट टर्म तो प्रॉफिट बनाओ। और इसी तरह हम लोग पेड ग्रुप के अंदर सिग्नल देते हैं अपने। विन की तरफ अगर हम चलें तो विन भी BTT को फॉलो कर रहा है, बाय जोन में बाय कर सकते हो। यहाँ पे इसका सेल जोन है 0.007 0007 2, तो यहाँ पे आप इसको सेल कर देना तो यहाँ पे थोड़ा 4-5% प्रॉफिट होगा, लेकिन बाइंग भी थोड़ी सी करना। ऑन्टोलॉजी की तरफ अगर हम चले तो ऑन्टोलॉजी थोड़ा फॉर्म में चल रहा है आजकल, लेकिन अगर ये आपको वापस अपनी मूविंग एवरेज में मिले तो बाय कर लेना। इसके अलावा इसकी एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे आप इसको सेल कर देना जो इसकी रेसिस्टेंस बन रही है इस एरिया की तरफ, तो ये इसकी रेसिस्टेंस एरिया है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से बाय कर ले तो मेरे दिए हुए सिग्नल पे जो कि है 1.15 पर, अगर आप इसकी बाइंग करके अगर आप इसको सेल करते हो तो आपको 8% प्रॉफिट मिल जाएगा इंशाल्लाह यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ से शॉर्ट टर्म में निकल जाओ, शॉर्ट टर्म सिग्नल दे रहा हूँ। SC की तरफ चलते हैं, अगर हम SC बाइंग जोन से पंप हो रहे हैं यहाँ पे 10 से, देखो किस तरह पंप होता है, 20 से और 10 के बीच में इसने पंप लिया और ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। वापस 10 के अगर ये आता है तो ये 10 की जो मूविंग एवरेज इसको ब्रेक करके 20 पे आएगा, तो आप इसको 0.02 पे बाय करना, यहाँ पे मत बाय करना, यहाँ पर बाय करना आप इसको। उसके अलावा आप इसको सेल कर सकते हो इसी इसके ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट पे 4% प्रॉफिट लेकर। बेग की तरफ अगर हम चलें तो बेग भी अपनी इस वक्त मूविंग बाइंग एवरेज की तरफ, यहाँ पे 5% बाइंग करो, अगर घिरता है 20 ME की तरफ तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग कर लेना। 50 ME पे अगर घिरता है तो सारे पैसे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से चांसेस होने के, पंप होने के चांसेस 80% होते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ पैसे लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आप खरीदते हो जैसे 20 मूविंग एवरेज पर, आप इसको सेल कर देते हो एटलीस्ट भी इस वाले इसके रेसिस्टेंस जोन तक, तो यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट आप कमाते हो आज देखते हैं। ओके तो ये 4% कुछ प्रॉफिट है, लेकिन इनफ है क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई वो नहीं करना अगर आप वो करना चाहो। ये अभी इस वक्त जो है 80 है वो अपनी 50 मूविंग एवरेज से भी नीचे आ चुका है, और चांसेस है कि ये वापस जाएगा 1.18 वाले एरिया की तरफ 80 है। और यहाँ पे इसका फिबोनाची का लेवल भी मिल रहा है, तो फिबोनाची का ये कौन सा लेवल जरा मैं इसको देख लेता हूँ थोड़ा। तो ये 0.786 वाला गोल्डन रेशो यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे आप बाय करो 1.20 से 1.80 तक, इसकी यहाँ पे सपोर्ट भी और रेसिस्टेंस के जो पहले रह चुकी है इसकी, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो इसको, यहाँ पे सेल कर देना एक अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन अभी बाय मत करो, 80 का मैंने पहले ही कहा था, पंप्ड कॉइन में छलांग ना लगाओ। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। सिर्फ आज मैंने सिग्नल्स दिए हैं, बाकी मजीद सिग्नल्स आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर ही मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।